न्यूट्रिशन वाइज हर 100 ml काउ मिल्क देगा 3 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम कार्ब्स, ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम फैट और 60 कैलोरीज, और अनस्वीटन सोया मिल्क देगा 3 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम कार्ब, 2 ग्राम फैट और ऑलमोस्ट 40 कैलोरीज। तो कैलोरीज में सोया मिल्क काउ मिल्क से ऑलमोस्ट 35% कम है। इसके अलावा काउ मिल्क अच्छा सोर्स है कैल्शियम और B12 का, साथ छुटमुट वाइटामिन डी भी दे देगा। और सोया मिल्क में भी कैल्शियम, B12, डी और अन्य न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड होते हैं ताकि काउ मिल्क वाले न्यूट्रिएंट्स मैच किए जा सकें। तो अगर तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट या प्लांट बेस्ड ऑप्शंस देख रहे हो तो सोया मिल्क पियो, अगर सोए से एलर्जी है तो काउ मिल्क पियो, और अगर दोनों से कोई दिक्कत नहीं है तो अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना। बस ये ध्यान रहे कि काउ मिल्क इज ऑलमोस्ट 60% सैचुरेटेड फैट, मतलब 150 ml का ग्लास तुम्हारे दिन का 20-22% सैचुरेटेड फैट पूरा कर देगा, जो सोया मिल्क में ना के बराबर है। और बॉटम लाइन यही है कि अनस्वीटेंड सोए और काउ मिल्क दोनों न्यूट्रिएंट रिच मिल्क ऑप्शंस हैं। आप बजट, प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने लिए चुनाव कर सकते हो। ठीक है जी, दोबारा समझना एक बारी।